हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने किया है दोपहर से स्टार्टिंग, और अभी टाइम दिखा रहे हैं आप लोगों को कितना टाइम हो रहा है। तो अभी टाइम देखिए 2 बज गए हैं, और तब जाके मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्टिंग किया है, क्योंकि मैं ना अभी काम से फुर्सत हुई हूँ और कुछ काम मेरा बाकी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बनी रही है हमारे पूरे ब्लॉग में एंड तक। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ पीछे छत पर, जो मैंने थोड़े से मटके की कुछ फोर के रख दिए हैं, यानी कि उसमें पानी भर के रख दिया था, सुबह रखा था। तो देखते हैं उनमें पानी है कि नहीं है चिड़ियों के लिए। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने एक बाल्टी भर के पानी लिया है, और कुछ पौधों में भी डालेंगे क्योंकि पौधों को भी ज़रूरत है पानी की। और इधर ना मैंने आज खूब सारे कपड़े वगैरह भी धुल के डाले हैं, तो कुछ मैंने छाई में कपड़े डाले हैं, कुछ धूप में डाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पौधे ना सूख रहे हैं आज, इनमें ना मैंने पानी नहीं डाल पाई। तो मैं आ चुकी हूँ अपने पीछे छत पर, यानी कि गमलों के पास में। और ये देखिए मैंने पूरे सुबह भर के रखे थे, इतना सारा पानी रह गया है, तो इस पानी को हम फैला देंगे। और ये देखिए चिड़ियों का दाना भी मैंने पूरा भर के रखा था, इतने रह गए हैं। तो गैस इन पर पानी डाल भर के रख देंगे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धूप भी है। तो आप लोगों को बता दें, ये ना इसमें मटका था, जो मैंने इसमें बहुत सुंदर सा फूल लगाया था, वो मटका फूट गया था बारिश में, तो इसको मैंने फेंका नहीं था। मैंने कहा इसमें पानी भर के रखेंगे चिड़ियों के लिए, क्योंकि और भी बर्तन कोई भी रखते हैं ना, तो वो क्या है आंधी में उड़ जाता है। और जब आंधी में उड़ जाता है, पिछली साल ना मैंने डिब्बा काट के रखा था डिब्बे को, तो वो आंधी में पता ही नहीं चला कहाँ उड़ गया। तो ये ना उड़ेगा, और ये एक जगह ही रखे रहेगा। तो देखिए पौधों की कैसी हालत हो गई है। तो सारे पौधों में पानी डालेंगे, और यहाँ पर ना चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही है। देखिए अभी जब हम पानी डाल के यहाँ से जाएंगे ना, तो खूब सारी चिड़ियाँ बैठी हैं छोटी छोटी, वो आएंगी चावल खाने के लिए। तो हम पानी डाल देते फटाफट से, गर्मी है भाई, सभी लोग अपनी अपनी छत पर ऐसे ही बना के रख दें चिड़ियों के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है। तो इसलिए मैंने चिड़ियों के लिए पानी रख दिया है, और इधर अपने गमलों में भी पानी डाल देती हूँ। और ये देखिए कैसे हो गए, नरमोश हो चुके हैं पौधे, ब्रोकली सूख जैसे गए हैं। चलिए भी पानी डाल देती हूँ, धूप भी बहुत तेज वाली है। और ये देखिए हमारी 9 बजिया में कितने सुंदर फूल आए हैं, सफ़ेद आए हैं और गुलाबी कलर के आए हैं। इधर भी डाल देते हैं, तेज वाली धूप है गाइस, बहुत तेज वाली। तो मैंने अपने गमलों में ना पानी डाल दिया है, और बहुत तेज़ वाली धूप है, क्या बताऊँ। और देखिए चिड़ियाँ भी आना स्टार्ट हो गई हैं, तो हमारी वजह से अभी नहीं आ रही हैं, अब मैं जा रही हूँ, पानी डाल दिया है।
तो पानी वगैरह डाल आई मैं और गमलों में, और चिड़ियों के लिए भी रख आई दाना पानी, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था चिड़ियों वाला, जो चिड़ियाँ पानी पीती हैं ना तो वो ख़त्म हो चुका था, तो उसमें भी पानी भर के रखा ही। तो अब ना हम कुछ और काम करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे ना गाइस, मैंने बोतल में बहुत पहले से मनी प्लांट लगाया था, तो ये देखिए किस तरीके का हो गया है। इसको साफ़ करेंगे और इसका पानी भी चेंज करेंगे आज, क्योंकि 5-6 दिन हो गए हैं मैंने पानी चेंज नहीं किया है, तो इसको चेंज करेंगे। और इसमें देखिए नए पत्ते भी निकल आए हैं, ये देखिए एक ये निकल आया है और एक ये निकल आया है। बोतल को ना साफ करेंगे क्योंकि इसमें काई जैसी लग रही है, तो इसलिए इसको साफ करेंगे। ये साफ हो गई है एकदम अच्छे से, चमकने लगी है। अब इसमें हम पानी भर के, और ये ठंडा पानी है, अभी अभी टंकी भरी हुई है तो इसमें ना ठंडा पानी है। और ये मनी प्लांट भी इसी में लगा देंगे, अच्छा लगने लगा है। और बोतल को वापस से हम रख दे रहे हैं उसी जगह पर, देखिए मैंने रख दिया बोतल। तो बोतल को भी मैंने साफ़ करके और उसमें मनी प्लांट भी लगा दिया है दोबारा से। और अब चलती हूँ अपनी किचन में, और आज के खाने में मैंने क्या बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में एंड तक। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, और आज के खाने में मैंने क्या बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज के खाने में मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें मैंने डाली है अपनी फेवरेट मिर्ची, यानी कि ये वाली मिर्ची ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अक्सर खूब ज़्यादा सी डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं। और आज मैंने बनाया है रायता, यानी कि बूंदी का रायता बनाया है, भिंडी की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। तो मैं खाना रख लेती हूँ। खाना मैंने लगा लिया है, और एक यहाँ पे खीरा है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी है यानी कि बर्मा वाली जो मैंने कल शाम को बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी है, रोटी है, बूंदी का रायता है, काला नमक है, और ये है मिंगी के आटे की लपसी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही है। तो ये भी मैंने शाम को बनाई थी। तो यहाँ पे ना मेरा खाना आ चुका है, यानी कि हम ऊपर लेके आ गए हैं अपने रूम में ही, तो यहाँ पे ही खाएंगे। और तो मिलती हूँ आप लोगों को खाना खाने के बाद, तो आप लोग भी आ जाइए गाइस, आज का खाना यही है हमारा। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।